सुपरस्टार सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से थ्रेट्स मिल रहे हैं और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को और बढ़ाया है। स्पेशली आफ्टर बाबा सिद्दीकी के मुंबई में मर्डर के बाद जो उनके क्लोज फ्रेंड थे। वेल, रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने अब दुबई से एक और बुलेट प्रूफ व्हीकल इम्पोर्ट किया है ताकि वो अपनी सेफ्टी को और इंश्योर कर सकें। रिपोर्टेडली सलमान ने कई सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं और अपने रियलिटी शो के एपिसोड्स की शूटिंग के दौरान इसके लिए उन्होंने एक बुलेट प्रूफ पेट्रोल SUV खरीदी है जो 2 करोड़ की है और इसे दुबई से मुंबई इंपोर्ट किया गया है। रिपोर्टेडली सलमान का नया परचेज एक पेट्रोल स्पोर्ट यूटिलिटी कार है जो सुपीरियर सेफ्टी फीचर्स के लिए जाना जाता है। ये SUV हाई क्लास फीचर्स और सेफ्टी मेजर्स के साथ आती है जो इसे एक्सपेंसिव बनाता है। इसमें एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स हैं जैसे बॉम्ब अलर्ट साइंस, थिक ग्लास शील्ड्स जो पॉइंट ब्लैक बुलेट राउंड्स को रोक सकती हैं, और कैमोफ्लाज डार्क शेड्स जो ड्राइवर और पैसेंजर को कंसील करते हैं। ये पेट्रोल SUV अब तक इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है और ये सलमान की दूसरी बुलेट प्रूफ कार है जो उन्होंने दुबई से इम्पोर्ट की है। वेल, सलमान रिपोर्टेडली गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हिटलिस्ट पर तब से हैं जब उन्होंने एक ब्लैक बक को अलेजिडली मारा था जो बिश्नोई कम्युनिटी के लिए सीक्रेट माना जाता है। The gang has threatened him to apologize in the case or he will be murdered for the same. He has been under high security amid several threats by the gangster who has been serving his time in prison.